पूर्व क्रिकेटर आकाश चोपड़ा के मुताबिक अगर टीम इंडिया को हार्दिक पांड्या के बैकअप की तलाश करनी है तो उन्हें शिवम दुबे, वेंकटेश अय्यर और विजय शंकर जैसे खिलाड़ियों को ज्यादा से ज्यादा मौके देने होंगे। आकाश ने आगे कहा कि आईपीएल से आपको ऑलराउंडर नहीं मिलेंगे बल्कि बायलैटरल सीरीज के दौरान इन जैसे खिलाड़ियों को मौका देकर उन्हें तैयार करना होगा। विराट कोहली को वनडे कप्तानी से हटाने पर पूर्व भारतीय कप्तान सौरव गांगुली ने सफाई देते हुए कहा है कि उन्होंने विराट कोहली को कप्तानी से नहीं हटाया था। दरअसल जब कोहली को 50 ओवर के खेल में कप्तानी से बर्खास्त किया गया था तब वो बीसीसीआई के अध्यक्ष थे। गांगुली ने विराट को व्हाइट बॉल क्रिकेट की कप्तानी छोड़ने का आइडिया दिया था लेकिन कोहली ने टी20 वनडे और टेस्ट फॉर्मेट में कप्तानी छोड़ दी। आईपीएल के आगामी सीजन के लिए चेन्नई सुपर किंग्स के कप्तान महेंद्र सिंह धोनी ने मां अंबे का आशीर्वाद लिया है। चेन्नई सुपर किंग्स ने महेंद्र सिंह धोनी को आईपीएल के अगले सीजन के लिए रिटेन कर लिया है। जून में धोनी के घुटने की सर्जरी हुई थी जिससे वो फिलहाल उबर रहे हैं। आईपीएल 2024 की नीलामी के लिए चेन्नई सुपर किंग्स के पर्स में 31 करोड़ से ज्यादा का बजट है। रोहित शर्मा के बाद भारत की टेस्ट टीम का अगला कप्तान कौन होगा इसको लेकर पूर्व क्रिकेटर आकाश चोपड़ा ने बड़ा बयान दिया है। आकाश ने कहा है कि टीम इंडिया की कप्तानी के लिए दो ऑप्शन काफी शानदार हैं, जो गेम चेंजर साबित हो सकते हैं। आकाश के मुताबिक शुभमन गिल और विकेटकीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत कप्तानी के लिए बेहतरीन ऑप्शन है। विजय हजारे ट्रॉफी के एक मुकाबले में सचिन तेंदुलकर के बेटे अर्जुन तेंदुलकर का बल्लेबाजी और गेंदबाजी में खराब प्रदर्शन। गोवा की तरफ से खेलते हुए अर्जुन ने बनाए केवल 13 रन। तो वहीं युजवेंद्र चहल की गेंदबाजी का फिर दिखा दम। हरियाणा से खेलने वाले चहल ने जम्मू कश्मीर के दो बल्लेबाजों को आउट किया। टीम इंडिया में वापसी करने के लिए तेज गेंदबाज नवदीप सैनी कर रहे हैं जमकर मेहनत। नवदीप सैनी ने विजय हजारे ट्रॉफी के 3 मैचों में 8 विकेट झटके हैं। उत्तराखंड के खिलाफ नवदीप ने 23 रन देकर 3 विकेट चटकाए। नवदीप ने अपना आखिरी टी20 मुकाबला 2021 में खेला था। भारत के लिए तीनों फॉर्मेट खेल चुके हैं नवदीप सैनी। बीसीसीआई ने मल्लिका सागर को आईपीएल के अगले सीजन की नीलामी के लिए ऑक्शनर बनाया है। आईपीएल 2024 की नीलामी 19 दिसंबर को दुबई के कोका कोला एरिना में आयोजित की जाएगी। मल्लिका सागर ने इस साल वीमेंस प्रीमियर लीग की नीलामी में भी अहम भूमिका निभाई थी। इससे पहले आईपीएल की नीलामी के लिए बीसीसीआई रिचर्ड मेडली या ह्यू एडमेट्स की सेवाएं लिया करता था। हैरिस रोफ समेत पाकिस्तान के 3 खिलाड़ियों को मिली बिग बैश लीग में खेलने की इजाजत। पाकिस्तान ने खास शर्त का भी किया खुलासा। हालांकि रऊफ और ओसामा मीर को केवल 5 मैचों के लिए एनओसी की मंजूरी दी गई है। वहीं जमा खान ज्यादा से ज्यादा 4 मैच खेल सकेंगे। रऊफ ने हाल ही में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 3 मैचों की टेस्ट सीरीज से अपना नाम वापस ले लिया था। पाकिस्तान 14 दिसंबर से ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 3 मैचों की टेस्ट सीरीज खेलने के लिए तैयार है। पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेटर वसीम अकरम ने पीसीबी के युवा मेंबर्स को शुभकामनाएं दी हैं और कहा है कि उन्हें अपने फैसलों पर कायम रहना चाहिए। अकरम ने नए चीफ सिलेक्टर के लिए कहा कि वहाब को हर 3 मिनट में प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करनी चाहिए और जो फैसले वो ले रहे हैं उस पर कायम रहें। उस्मान ख्वाजा के बाद अब ग्लेन मैक्सवेल उतरे डेविड वार्नर के समर्थन में। मिचेल जॉनसन को दिया करारा जवाब। मैक्सवेल ने वार्नर के बचाव में कहा कि मैं इस बारे में कुछ बोलकर अपना नाम सुर्खियों में उछालना नहीं चाहूंगा, लेकिन डेविड वार्नर लंबे समय तक क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया के चैंपियन खिलाड़ी रहे हैं। जॉनसन ने कुछ दिनों पहले वार्नर के रिटायरमेंट फेयरवेल पर सवाल खड़े किए थे।